हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ मारुति 800 के बारे में। तो मारुति 800 के बारे में मतलब ये चीज़ें बताने वाले हैं, और बहुत ही मतलब लो मेंटेनेंस गाड़ी है, बहुत ही हैवी बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की। और इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिल जाता है, कितने रुपये तक में ये गाड़ी मिल जाती है सेकेंड हैंड मार्केट में, और ये मैंने कितने रुपये में भी खरीदी है। तो भाई सबसे पहले ना मैं आपको इसके मीटर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है यहाँ पर, और आपको हीटिंग मीटर मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है। ठीक है, मतलब बेसिक सब। बहुत ही ज़्यादा पुरानी गाड़ी है तो पुरानी गाड़ियों में इस तरीके का ही आता था। और भाई ये चीज़ देख रहे हो अभी, इसमें एसी नहीं है, इस गाड़ी में एसी नहीं है। और ये सिर्फ मतलब आप जो इसकी हवा ले सकते हैं, मतलब ये सिर्फ एयर वाला है। यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे ना, मतलब इस पर इस पॉइंट जो लिख रहा है इसकी स्पीड के हैं, और ये हॉट एंड कूल का इस तरीके का लिख रहा है। इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, इसमें एक चीज़ मिलती है आपको, जैसे कि इसको आप इस तरीके से घुमाते हैं ना, तो जो इसकी एयर अंदर आने की बजाय जो बाहर लगे होते हैं ना, वो बोनट पे लगे होते हैं, वो छोटे छोटे स्विच से, तो उनमें चली जाती है। और इसके अलावा ये वाला बटन देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको अगर मैं इस तरीके से पुश करता हूँ आगे की तरफ, तो जो भी एयर है वो इनमें से ना आके मेरे पैरों की तरफ यहाँ पे आएगी नीचे। तो भाई इसमें ये वाली चीज़ मिलती है, जब बहुत से लोगों को शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भाई, और जिन लोगों को पता है भाई बुरा मत मानना, कभी गाली दो कमेंट वमेंट में कि भाई हम सबको पता है। तो भाई यहाँ पे आपको इस तरीके के वेंट्स मिल जाते हैं, इसमें से आपको हवा अच्छी आती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार बेकार आती है, बढ़िया हवा आती है इनमें से, आप एडजस्ट कर सकते हैं इन्हें। और भाई यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने के लिए छोटा मोटा, मैंने यहाँ पे एक रिमोट रखा हुआ है स्टीरियो का, तो यहाँ पे एक ये चीज़ भी मिल जाती है आपको। अगर कंसोल की बात करूँ मैं, तो इसमें 4 गियर ट्रांसमिशन मैनुअल मिल जाता है। ठीक है भाई, 4 गियर वाला है ये, मैनुअल ट्रांसमिशन है। ब्लूटूथ स्टीरियो मिल जाता है इसके अंदर, मतलब ये तो लगवाया हुआ है, बहुत सी में नहीं होता है। ग्लोब बॉक्स के बारे में बताऊँ तो भाई ग्लोब बॉक्स के अंदर पुराना मॉडल है, और फिर भी इतना ज़्यादा स्पेस मिलता है कि मतलब बहुत अच्छा आप सामान कैरी कर सकते हो भाई। बहुत डेप्थ है इसकी, टैप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। एक तो यहाँ पे आप अपना सामान कैरी करके रख सकते हो, एक भाई स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, ये तो मैंने ट्राईपॉड रखा हुआ छोटा सा, यहाँ पे भी आप सामान कैरी कर सकते हो, एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे भी मिल जाता है। और भाई नीचे की तरफ देखोगे ना आप, यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है, स्पीकर एक यहाँ पे आपको साइड में, ये यहाँ नीचे भी मिल जाता है। तो भाई मतलब बहुत ही कम बजट में जो गाड़ी है, और बहुत ही रफ एंड टफ गाड़ी है यार, कितनी भी भगाओ मतलब रोड पे ना भगाओ भाई, जितनी गाड़ी को भगाओगे ना उतने ही ज़्यादा मज़ा आएगा गाड़ी के अंदर। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टूटा हुआ है यहाँ पे ना, एक चौक का ऑप्शन होता है, उसको ना पुल करेंगे, जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई सर्दी वर्दी के समय में, तो उसको आप पुल करके, जैसे बाइक वाला चौक का मैटर होता है ना, इस तरीके का यहाँ पे एक चौक का भी होता है, क्योंकि वो मेरा टूटा हुआ है, वरना मैं आपको खींच के दिखाता उसको। तो भाई इस तरीके की ना मारुति 800 में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ 2006 मॉडल की, ये 2006 मॉडल है ये वाली मारुति 800, 2006 मॉडल की गाड़ी है, जब मैंने ये ली थी, अगर आपको दिख रहा हूँ ना यहाँ पे 49,363 किलोमीटर चली हुई है। मैंने भाई ये ली थी जब 48,000 किलोमीटर चली हुई थी, जैन में 48,000 किलोमीटर चली हुई थी, तभी मैंने खरीदी थी। तो भाई 48,000 के बाद इतनी मैंने ये चला दी है भाई, मैं बहुत खुश हूँ इस गाड़ी को लेने के बाद। और मात्र ये मैंने 25,000 रुपये में ली है, 2006 मॉडल, मतलब इतनी सारी चीज़ें जैनमैन चीज़ें भाई। और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो RVM वाला सिस्टम है, मतलब यार इसकी जो विजिबिलिटी है ना, पीछे से आप गाड़ी बैक करोगे ना, बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है मुझे। जो आजकल की नई गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब उनमें जो विजिबिलिटी मिल रही है मिलती है ना भाई, मुझे इसके RVM में वही विजिबिलिटी मिलती है। यहाँ पे ये आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे आप देखेंगे वैनिटी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, बस ये रखने के लिए, इसमें कार्ड वगैरह भी नहीं रख सकते हैं आप अपने। ठीक है भाई, सेकेंड हैंड 25-30 हज़ार रुपये में कहते यार आजकल आप फ़ोन ही ले लेते हो। तो भाई अगर इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कराना चाहो ना, जैसे कि इसकी ये पावर विंडो है, तो इसे आप पावर विंडो में कन्वर्ट करा सकते हो भाई, बहुत ही ईजीली हो जाती है। और भाई इसका अगर ये देखा जाए ना, मतलब ये जो पूरा इस तरीके का ये दिया हुआ है ना यार, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे भी आपको सामान रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो। और भाई इसका लेग रूम और हेड रूम की बात करूँ ना भाई, 5'8" मेरी हाइट है, मेरे दोस्त हैं 6-6 फुट के, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती हमें गाड़ी में बैठने में, दिक्कत नहीं होती, आराम से गाड़ी चलाते हैं, ना लेग रूम में प्रॉब्लम आती है, ना हेड रूम में प्रॉब्लम आती है, गियर शिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी है गाड़ी का। यार बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस गाड़ी की, एकदम ऐसा फील होता है कि हाँ यार प्योर लोहा सा इसमें यूज़ किया हुआ है। भाई पीछे से बताऊँ ना गाड़ी, यार पीछे से भी बड़ी स्पेशियस है, पीछे वाला बंदा बैठता है ना मेरे जैसे, मतलब अडल्ट बंदे, दो बंदे आराम से पीछे बैठेंगे, बिल्कुल खुल के, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और भाई मतलब यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ भी सामान रखो। ठीक है भाई, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँगा मैं, कप होल्डर मिल जाते हैं भाई आपको, दो कप होल्डर, ये आप ओपन करेंगे ना यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं दो, इसको आप पुश करेंगे ये अंदर चलेंगे। तो भाई देख रहे हो मतलब ये आजकल की गाड़ियों में कितना ज़्यादा कूल फीचर है, जो कि आपको 2006 मॉडल की मारुति 800 में मिला हुआ है मुझे।
ठीक है भाई, कप होल्डर का इस्तेमाल मैं करता हूँ, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी जब मन करता है तो कभी कभी करता हूँ। शराब वराब तो मैं पीता नहीं हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ इनमें रखने के लिए, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो भाई कप होल्डर की यहाँ पे ये स्पेस मिल जाता है आपको, यहाँ सामान रख सकते हैं इतना सारा भाई, ये ग्लोव बॉक्स में इतनी डेप्थ मिल जाती है सामान रखने के लिए, इसमें रख सकते हैं। और भाई एक वो भी बताया था मैंने आपको, उसमें रख सकते हो। तो भाई इस तरीके की यार मारुति 800 के बारे में कुछ बातें हैं, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है मारुति 800 के बारे में मैं बनाऊँ भाई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, कोई सलाह देना चाहते हैं प्लीज़ वो भी मुझे बताना आप। और भाई यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, ये देख रहे हैं आप, मतलब यार हाई बीम लो बीम ये हेडलाइट का होता है भाई, मतलब बिल्कुल मक्खन चलता है, बिल्कुल मक्खन, जैसे आजकल की गाड़ियाँ ना बिल्कुल मक्खन इस तरीके से। देखिए वाइपर मैं आपको चला के दिखाता हूँ, अभी तो गाड़ी मेरी बंद है, एक मिनट में चला के दिखा आपको लगेगा कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की। देखिए भाई बिल्कुल, और जब मैं रोड पे लेके जाता हूँ ना टॉप टॉप भागती है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आती।